हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त गेम ऑन क्रिकेट मैच के यूट्यूब चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस की कप्तानी करेंगे दोस्तों हार्दिक पांड्या। इस बात को लेकर के रोहित शर्मा के फैंस काफ़ी ज़्यादा निराश है दोस्तों। अलग अलग ट्विटर हैंडल पे, चाहे आप इंस्टाग्राम पे, चाहे ट्विटर पे या फिर फेसबुक पे, दोस्तों रोहित शर्मा के जो फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए हैं। उनके अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है दोस्तों हार्दिक पांड्या को लेकर के। वहीं पर जहां हम हार्दिक पांड्या के फैंस की बात करते हैं, वो भी अलग अलग ट्विटर हैंडल पे वो भी अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं दोस्तों हार्दिक पांड्या को कप्तानी को लेकर के। रोहित शर्मा ने दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है, 2011 में मुंबई इंडियंस को ज्वाइन किया था दोस्तों। साल 2013 में उनको टीम की कप्तानी सौंपी गई थी दोस्तों। रोहित शर्मा ने इसी साल टीम को पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी दिलाई थी। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया था रोहित शर्मा ने। इसके बाद 2015 में एमआई की पूरी टीम ने दोस्तों और उनके सपोर्टर ने साथ देते हुए 2015 में एमआई ने रोहित शर्मा की कप्तानी में फिर से ट्रॉफी जीती। और उसके बाद 2017 में जीती ट्रॉफी दोस्तों, उसके बाद 2019 में और फिर दोस्तों 2020 में रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने आईपीएल की ट्रॉफी जीती दोस्तों। रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने आईपीएल की ट्रॉफी कई बार जीती है दोस्तों और रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस काफी अच्छा रही है आईपीएल में। साथ ही साथ टीम इंडिया में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही दोस्तों। और हम सबको पता है कि रोहित शर्मा अभी टीम इंडिया के भी कप्तान है। बॉम्बे इंडियंस ने आईपीएल की ट्रॉफी को आखिरी बार 2020 में उठाया था दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है। इसके बाद आईपीएल 2021 में टीम ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई थी दोस्तों। उस टाइम बॉम्बे इंडियंस की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। 2022 में एमआई का हाल बहुत ही बेहाल था दोस्तों। एमआई ने सबसे निचले पायदान पर रहते हुए टूर्नामेंट खत्म किया था 2022 में दोस्तों। और पिछला साल जो उनका बीता 2023 दोस्तों, टीम ने दूसरे क्वालिफायर का तक सफर तय किया था दोस्तों एमआई ने। और वहीं पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ अच्छी प्रदर्शन की थी दोस्तों। एमआई के कोच मार्क बाउचर ने कहा है दोस्तों कि रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस पर दबाव था, इसकी वजह से ही उन्होंने यह डिसीजन लिया है दोस्तों। और अब रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस बिना कप्तानी के अच्छा होगा दोस्तों। इस इंटरव्यू के बाद दोस्त रोहित शर्मा की वाइफ का रितिका का ट्वीट आया और उन्होंने कहा है कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और यह ट्वीट तुरंत ही वायरल हो गया दोस्त और एमआई टीम के ऊपर बहुत सारे सवाल उठने लगे दोस्त। रोहित शर्मा ने पूरे 12 साल एमआई को दिया है दोस्त, 2011 से 2023 तक। रोहित शर्मा ने पूरे 12 साल एमआई का साथ दिया है दोस्तों, 2011 से 2023 तक हर सुख दुख में। लेकिन आज उनके साथ ऐसा हो रहा है, उनको कप्तानी छीन करके उनके जूनियर हार्दिक पांड्या को दिया जा रहा है दोस्तों। क्या आपको लगता है कि यह सही है दोस्तों या गलत है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि रोहित शर्मा के साथ जो हो रहा है वो सही है या गलत है। फैंस प्लीज़ कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों।